बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 304 प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसकी मैंने दूसरी असाइनमेंट भी बना के अपलोड की हुई है, काइंडली देख लीजिएगा। और इसमें आपने एक इमेज सबमिट करनी है और एक साथ में टेबल भी इंसर्ट करना है। दो काम करने हैं, इन लाइन सोल्यूशन है, LMS में जाके ही आपने अपलोड करना है, फाइल सबमिट नहीं होगी। आपको दो सवाल दिए हुए हैं, आपने एक MS वर्ड की फ़ाइल क्रिएट खुद से कर लेनी है और फिर उसके हिसाब से आप या टेबल डायरेक्टली उधर बना लें, मैं वो भी आपको बताता हूँ। आप लोगों को ये एक सिनेरियो दिया हुआ है, वन क्लिक शॉपिंग है, इसमें जो है वो प्लेस एंड ऑर्डर है, कैटेगरीज अवेलेबल है, यूज़र रजिस्टर होगा, वो सारा सिनेरियो एक दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू डिलीवरी है। तो हमें उन्होंने कहा है कि जी आपने सोल्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, एक आपने बताना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन से हैं, यानी क्लासेस कौन कौन सी हैं, उनके एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन यानी ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, वो क्या क्या करेंगे। जैसे लाइक पेमेंट मेड है, रजिस्टर होना है, ये एक फंक्शन है, लॉग इन होना है, प्लेस ऑर्डर एक है, ऐड कैटेगरीज है, इस तरह के जो काम होंगे, या ऐड टू कार्ट है, तो ये चीज़ें जो हैं वो कहलाएंगी फंक्शंस। इसी तरह एट्रीब्यूट होंगे, स्टूडेंट यूज़र की आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। इसी तरह ऑब्जेक्ट जैसे यूज़र है, शॉपिंग कार्ट है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर है, तो वो ऑब्जेक्ट होंगे। उन्होंने कहा है कि आपने दूसरा हिस्सा जो बनाना है वो इस तरह डायग्रामेटिकली होगा, जिसमें एक क्लास होगी, क्लास का नाम लिखेंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट लिखेंगे, फिर उसके ऑपरेशंस लिखेंगे और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है यानी पेरेंट का, चाइल्ड का, एसोसिएशन का, एग्रीगेशन का, कंपोजिशन का, वो आप वो सिंबल यूज़ करेंगे। तो दो हिस्सों में आपने एक तो तस्वीर अपलोड करनी है और एक टेबल बनाना है। और मैंने इसके लिए अलग से MS वर्ड फाइल बनाई हुई है, उसी पर चलते हैं। ये है जी, मैंने अलग से एक MS वर्ड की फ़ाइल बनाई, आप अपनी वीयू आईडी से बना लें। उसमें मैंने ऑब्जेक्ट लिखे हैं, पहला ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से यूज़र होगा, फिर उसकी यूज़र आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, इसको चेंज करना तो आप कर सकते हैं। यूज़र अब क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है, प्लेस ऑर्डर कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, उसके अलावा मेड पेमेंट कर सकता है, या इसमें लिख सकते हैं अगर आपने लिखना हो। इसी तरह ही पेमेंट है, पेमेंट के एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, ऑर्डर के लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिखेंगे, शॉपिंग कार्ट, 1, 2, 3, 4, 5 है, हर किसी के इस तरह बनाने हैं आपने और लिखने हैं। और मैं सिर्फ एक आपको बता दिया, यहाँ से देख के लिख लें, ये फंक्शन ही है, पे बाय कार्ड या पे बाय कैश ऑन डिलीवरी, तो ये पेमेंट क्लास के दो फंक्शन हैं। एट्रीब्यूट अगर आपने कोई लिखने हो तो वो लिख सकते हैं। इनके दरमियान जो लिंक है वो एसोसिएशन का है, ये सिंपल एसोसिएशन है, यूज़र जो है वो कंपोज कर सकता है ऑर्डर को और या एग्रीगेट कर सकता है, ये एसोसिएशन है यूज़र का शॉपिंग कार्ड के साथ, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आपस में कंपोजिशन है तो वो देख लेनी है आपने, कंपोजिशन एग्रीगेशन है। तो ये सिंबल मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने इस तरह क्लास बनानी है, यूज़र, ये सी लिखना ज़रूरी नहीं है, ये मैंने यहाँ से देख के वो सारे उधर लिखे थे, आपने भी इधर से देख के ही लिख लेने हैं। आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी है, प्रोडक्ट की क्लास इधर बना लें, ऑर्डर के इधर बना लें, इनको उठा के चेंज कर लें। शॉपिंग कार्ट है, इसमें ऐड आइटम, रिमूव आइटम टू गेट टोटल प्राइस, इसी तरह ऑर्डर में ऑर्डर आईडी, डेट, ये एट्रीब्यूट्स हैं जिनके साथ डब्बा लगा हुआ है, और जो गोल दायरे लगे हुए हैं ये फंक्शंस हैं, ये ऑपरेशंस हैं, मेक पेमेंट, कंफर्म ऑर्डर, तो ये चीज़ें हैं। अब आपने क्या ख़रीदना है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की क्या क्या चीज़ें हैं, प्रोडक्ट आईडी, नेम, प्राइस, कैटेगरी, और फिर उसका फंक्शन है डिस्प्ले डिटेल्स, तो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा दिया, और इनके दरमियान जो 1:1, 1:none का है वो आपने लिखना है। इनको आपने इस तरह टेबल के अंदर परोना भी है, आपने यूज़र का देख लिया है, पेमेंट का इधर लिख दें, पेमेंट का
अगर कोई एट्रीब्यूट नहीं है तो आप सीधा सीधा इसके दोनों फंक्शन लिख देंगे, एट्रीब्यूट नहीं लिखेंगे। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ वापस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है app.diagrams.net। इस पे आपने आना है, फाइल में आना है, न्यू करना है, और यहाँ पे आपने साइड पे जब न्यू कर लेंगे तो UML को क्लिक करना है। यहाँ से आपने क्लास ले लेनी है, उसको क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाएगी। और ये जस्ट लाइक दिस, ये मैंने अभी सेव नहीं की हुई तो इसलिए इशू आता है। क्लास, उसके जो आपने फील्ड और जो भी लिखना है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हैं। इसको मैं सिर्फ रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे इसके डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये एक क्लास पड़ी है, तो इस तरह मैं तो जिस जो लेना चाहे। अब मैं आपको वो सिंबल दिखा दूँ, ये एग्रीगेशन वाला खाली होता है, कंपोजिशन वाला फिल्ड होता है, तो इसको देख लेना है। उसके बाद पेरेंट और चाइल्ड का अगर लगाना है तो ये लिंक लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ से एरो लेना है, डॉटेड लाइंस है, सिंपल डिस्पैच का, मैसेज का, कोई भी चीज़ लेनी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। जो एरो लगाना हो आप एरो यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे एरो पड़े हुए हैं, डॉटेड एरो इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कोई भी इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड होगा, जो आपने डायग्राम में देखा है। फिर डबल क्लिक करेंगे, इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे क्लास का नाम, ऑर्डर या यूज़र या जो भी आपने लिखना है। इसको साथ साथ आप सेव कर लें, यहाँ से फाइल और सेव एज़, इसको सेव एज़ करेंगे तो आपको वो यहाँ से आपने आके एडिटेबल इमेज और सेव कर लेना, तो ये आपकी तस्वीर बन जाएगी PNG। इसको आप LMS में अपलोड कर देंगे। साथ में एक टेबल बनाना है जो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं आपको वापस उसी पे लेके जा रहा हूँ। ये हमारी असाइनमेंट है जिसको हमने मुकम्मल करना है। टेबल इंसर्ट करने के लिए राइट यहाँ पे इस तरह टेबल कर लेंगे, तो टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उधर भी इसी तरह ही होगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें, बताएं, फिर उसका आंसर करेंगे।